दोस्तों जानवर भी कभी कभार कुछ ज्यादा ही जोश में आ जाते हैं और इसी जोश जोश में वो अपना होश खोकर गलत जगह और गलत दुश्मन से जाकर भिड़ जाते हैं और वो अपनी इस हरकत की वजह से न चाहते हुए भी खुद का ही नुकसान करवा बैठते हैं। खैर दोस्तों समय समय पर ऐसे वाक्य हम आपको दिखाते रहते हैं और आज की इस वीडियो में भी हम आपको कुछ ऐसे ही वाक्य दिखाने वाले हैं। तो चलिए फिर देर ना करते हुए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो के अंदर एक कुत्ता काफी देर से इस बकरे को हल्के में ले रहा है और इसको धमका रहा है, लेकिन ये बकरा भी इसे कई गुना आगे है और इसी वजह से ये सबसे पहले तो साउथ के हीरो की तरह इस दीवार पर चढ़कर एक्शन करता है और फिर एक्शन खत्म करने के बाद कुछ ऐसा रिएक्शन करता है और इस कुत्ते को उठाकर पटक देता है और बेचारे की सारी हवा निकाल देता है। अगले वीडियो में जंगल से आया ये हाथी इस बाइक के पास में पहुंच जाता है और बाइक के पास कुछ देर तक रुकने के बाद इसे पता नहीं क्या सोचता है और ये बाइक पर लगे हुए हेलमेट को उतार लेता है और फिर ये उस हेलमेट को उतार कर सीधा अपनी सूंड में पकड़ता है और सीधा उसे निगल जाता है। और यहाँ पर आप भी साफ साफ देख सकते हैं कि हाथी उसे निगल कर यहाँ से चल देता है, ये बाद में भी उसे वापस निकाल कर नहीं फेंकता है। अगले वीडियो के अंदर ये बकरा भी काफी देर से इस बुल के ऊपर हमला कर रहा है, हालांकि ये बुल एक जोरदार टक्कर मार के इसको पीछे हटा देता है, लेकिन ये बकरा भी काफी ज्यादा हटी है और इसी वजह से मार खाने के बाद भी इसकी अक्ल ठिकाने नहीं लगती है और ये बुल के ऊपर लगातार हमला करते रहता है। हालांकि इसके हमले का इस बुल के ऊपर कोई भी असर नहीं होने वाला है, लेकिन भाई साहब की हिम्मत तो देखो, रुकने का कतई नाम ही नहीं ले रहे है। सांप का खौफ क्या होता है वो तो बेचारे आप इस कुत्ते से पूछ ही सकते हैं, जिसकी हालत इस सांप की वजह से कुछ ऐसी होती है और इतनी बुरी तरह डरता है कि औंधे मुंह गिर जाता है। अगले वीडियो के अंदर ये मगरमच्छ इस कछुए को पकड़ लेता है और अपने जबड़े में दबोचकर इसे खाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन अपना पूरा जोर लगाने के बावजूद भी ये मगरमच्छ इसका कुछ भी नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से आखिर में ये कछुआ अपने आप इसके मुंह से बाहर आ जाता है और इसको ठेंगा दिखाते हुए यहाँ से निकल लेता है। चूहे भले ही छोटे जीव होते हैं, लेकिन ये भी किसी से कम नहीं होते हैं। अगर आपको हमारी बात पर भरोसा नहीं हो रहा है तो जरा इस वीडियो को देखिए, जहाँ पर इस कबूतर ने इस चूहे को हल्के में लेकर शायद इसके ऊपर हमला किया था और इसी वजह से इस चूहे का माथा सटक गया और फिर क्या होना था, ये चूहा सीधा इसकी गर्दन को दबोच लेता है और गर्दन को दबोचने के बाद इस कबूतर का कुछ ऐसा हाल करता है जो कि आप वीडियो में भी साफ साफ देख ही सकते हैं। यहाँ पर आसमान में उड़ता हुआ ईगल इस लोमड़ी के ऊपर हमला करता है, लेकिन पहली बार में ये लोमड़ी उल्टा इस ईगल के ऊपर भारी पड़ने लगती है और उल्टा इस ईगल के ऊपर ही हमला शुरू कर देती है, जिसकी वजह से इस ईगल के हौसले पस्त पड़ जाते हैं और ये तुरंत ही जितनी तेजी से यहाँ पर आया था उसकी डबल तेजी से यहाँ से निकलने में अपनी भलाई समझता है। ये कुत्ता भी जोश जोश में इस गाय से उलझ बैठता है, जिसके बाद ये गाय भी गुस्से में आकर इसको उठाकर पटक देती है और बेचारी की सारी हेंकड़ी निकाल देती है। अगले वीडियो के अंदर एक छोटे मुर्गे के ऊपर ये बाज हमला करता है, लेकिन जो ये उस मुर्गे के ऊपर हमला करता है तभी वहाँ पर एक बड़े मुर्गे की एंट्री होती है और वो मुर्गा हाथी के साथ ही इस बाज की धुलाई करने लगता है और इस बाज की कुछ ऐसी धुलाई करता है कि बेचारे को एक कोने के अंदर फिट कर देता है। कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ जिसमें भी ये कौवा इस मुर्गे के बच्चे के ऊपर हमला करने आया था, लेकिन बेचारे की इसकी भी ऐसी धुलाई होती है। हालांकि ये यहाँ से बचकर भागने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन ये मुर्गा इसे भागने का एक भी मौका नहीं देता है और इसकी अच्छी खासी धुलाई करते रहता है।
ये टाइगर बफेलो के झुंड में से कुछ बछड़ों को अपना शिकार समझता है और उनके ऊपर हमला करने पहुंच जाता है। लेकिन सभी बफेलो मिलकर इस टाइगर के ऊपर ही हमला शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ये टाइगर बौखला जाता है और किसी बछड़े के ऊपर हमला करना तो दूर बल्कि अपनी जान बचाकर यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। बेचारे इस पपी को तो इस कछुए से पंगा लेना कुछ ज्यादा ही महंगा पड़ गया और इस कछुए ने इसके पंजे को दबोच लिया। हालांकि पपी काफी देर से अपने पंजे को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये कछुआ इसे छोड़ने के लिए राजी कतई नहीं है। लगता है आज तो ये कछुआ इस पपी को अच्छा खासा सबक सिखा कर ही मानेगा। वैसे दोस्तों, जानवर ही नहीं बल्कि इंसान भी कभी कभी गलत जगह पंगा ले बैठते हैं, जैसा कि भाई साहब ने किया जो कि चलती हुई साइकिल पर ही इस बतख के साथ मस्ती करने की कोशिश करते हैं, जिसके चलते इनकी हरकत की वजह से इनकी साइकिल कबाड़ में बदल जाती है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको वेन एनिमल मेस्ट विद रॉन्ग अपोनेंट सीरीज का एक और नया पार्ट जरूर पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर करना और इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट भी कमेंट कर देना। हम जल्द इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर हाजिर होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।